दिल्ली दी शाहदरा पुलिस ने एक विदेशी नागरिक नू गिरफ्तार किया है जिसने व्यादा झांसा दे के 100 तो वध औरतां नाल 25 करोड़ की ठगी मारी है। मास्टरमाइंड तो इलावा पुलिस ने दो होर मुलजमान नू भी गिरफ्तार किया है जिन्होंने उसका साथ दिता सी। ਉਹ ਮੈਟ੍ਰੀਮੋਨੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। कुछ दिन पहला ही एक 35 साल औरत ने शाहदरा जिले के जगतपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत की सी कि उसका कुछ दिन पहला एक मैट्रीमोनियल वैबसाइट राही मनमीत नाल संपर्क होया सी, जिस तो बाद अचानक एक दिन मनमीत ने औरत नू कहा कि वह किसी मुसीबत में फस गया, उसके बैंक खाते बंद कर दिए गए ने ते उसनू पैसे की सख्त जरूरत है। इस सुन के औरत ने दसे बैंक खाते विच कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए। इस तो बाद किसी ना किसी बहाने आदमी ने औरत तो करीब 15 लाख रुपए ले। इतों तक कि औरत ने उसे सारे सोने के गहने वेच के उसनू पैसे दे दिते। औरत ने पुलिस नू शिकायत विच दस्या कि सारे पैसे लैण तो बाद उक्त आदमी ने उस नाल संपर्क खत्म कर दिता, जिसकी शिकायत उसने पुलिस नू दिती, जिस ते कार्रवाई करदियां दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करके जाँच शुरू कर दिती है। पुलिस ने उन्हां बैंक खात्यां दे वेरवे कढे जिन्हां विच औरत ने पैसे ट्रांसफर किए सन। जाँच दौरान पुलिस नू पता लग गया कि एक बैंक खाता भी दिल्ली का है अते पुलिस ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਵਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਗਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ PBC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ।